लड़का नहीं है, आदमी नहीं है। मैं हमारी किसी ने सेवा पूजा नहीं करी। दादी राम राम। लेट शेर संतरा। हंसो दादी, आप हंसने के दिन आ गए। जितना भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हम सामान खरीद सकते हैं आपसे। मेरी कोशिश करोगे ना तभी मैं हंस रही हूँ। अब हंसना ही है दादी, अब हंसना ही है। सब मदद करेंगे आपकी आगे। सब मदद करेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे आप हैं हमारे लिए। जितनी मदद हम आपकी कर सकेंगे हम उतनी करेंगे। आज भी चाय नहीं पी, भाई चाय लेकर के आओ। अमोल एक कप चाय। तो दिवाली पे जैसे लोग अब जैसे आपके मिट्टी का सामान है, दिवाली है, दिए लोग खरीदेंगे दिवाली पे, लाइटें लगाएंगे, घड़े बिकेंगे, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कि लोग आएंगे? मतलब जैसे कस्टमर अभी जैसे कोरोना के बाद, कोरोना के पहले जो लोग रेगुलर आते थे जो, तो क्या अभी मतलब वैसे कस्टमर आ रहे हैं या कुछ कमी है? आ तो रहे हैं, वैसे कम आ रहे हैं। मुझे उस वक्त तकलीफ ज़्यादा हुई जब मैंने इनसे पूछा कि दादी आपकी दुकान तो रोड पे है तो कस्टमर तो बहुत आते होंगे, तो उनका जवाब यूँ निकला कि बस चुप गया यार, चुप गया। आप अपने घर पे हैं तो अपने घर पे जो आपके बुज़ुर्ग हैं प्लीज़ उनका ध्यान रखें, क्योंकि इनका ध्यान रखने वाला अभी कोई नहीं है। जो जो रोज़ की आमदनी थी आपकी हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब पेट पालने लायक हो रही है नहीं हो रही? पेट पालने बेटी एक दिना हो जावे, दस दिना हो भी ना। तो आप देख सकते हैं एक दिन, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि 10 दिन के पैसे वो एक दिन के पैसों से खर्चा चला रहे हैं, 10 दिन का खर्चा एक दिन के पैसों से, तो कितनी तकलीफ में ये होते होंगे। तो इनकी तकलीफ समझिए, दिए ये मिट्टी के दिए बना करके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कब से दादी आप लगा रहे हैं दुकान यहाँ पे? दुकान हमको लगाते हो गई 30-40 साल। 40 साल से दुकान लगा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा केला। और उमर क्या है आपकी? उम्र मेरी 70 साल की। 70 साल की। तो ये दुकान अकेले आप संभालती हो? हाँ, मट्टी का सामान बेचती हूँ, लोहे का सामान बेचती हूँ। ऐसे करो तो मेरा मट्टी का भी बिक जावे, लोहे का भी बिक जावे। तो कोरोना के बाद से क्या रहा है? कोरोना के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। पैसे भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, रोटी पानी भी काय की बनावा, चाय के पैसे भी ना, चाय दूध पत्ती चीनी के पैसे नहीं है। परेशान चल रहे हैं, कोरोना पहला लगे पे बहुत मैं तो परेशान हूँ। अब तो दादी दिवाली आने वाली है। हाँ दिवाली भी आ रही है। और आपका स्टॉक भी बहुत सारा है। क्या क्या चीजें आप बनाते हैं सामान? लोहे का सामान सारा ही बनाते हैं। लोहे का और मिट्टी का सारा? हाँ मिट्टी का लोहे का सारा सामान बनाते हैं। बहुत परेशान, कोरोना से आए पीछे बहुत परेशान है। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ खाने पीने से। आपके बच्चे कितने हैं? लड़की 3 है, अपनी शादी शुदा कर गई। अच्छा, तो लड़कियां यहाँ नहीं रहती? लड़का नहीं है। लड़का नहीं है? लड़का एक भी नहीं है। तभी तो परेशान हो रही हूँ मैं बेटी, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं दर्द हो रहा है, उठाई ना जावे, कभी बुखार भी आ जावे है, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ खांसी की। सोचिए कि इतनी कमाई में जब इंसान को पेट पालना भी है, बीमारियां भी देखनी है, बीमारी भी देखनी और है। आप घर भी देख सकते हैं इनका कैसे रहती हैं दादी को। दादी के घर का टूर करा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में ये रह रही हैं। ये देखिए खुले में है ना, कोई दरवाज़ा है ना कोई खिड़की है, ठंड का मौसम भी आ रहा है। झुग्गी भी टूटी पड़ी है, पैसे ना है ना वो लगाने को है, आगे को किवाड़ लगाने को भी नहीं है पैसे। बाकी लोग जिनके पास पैसा है देखते हैं, उनके पे दरवाजे भी लगे हुए हैं, दरवाजा भी लगे पड़े। हम पर पैसे नहीं है तो काय का दरवाजा लगावा, झुग्गी टूटी पड़ी है। बारिश आ जावे तो सारी रात भीजती हूँ, दिन में भी भीजती हूँ, रात में भी भीजती, जब बारिश आवे तभी भीजती हूँ। 40 साल हो गए खत्म हुई को। अच्छा 40 साल से आप अकेले हैं? अकेले। इनके 4 लड़के हैं, पोते हैं, पोती हैं। हमारी किसी ने सेवा पूजा नहीं करी। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे सब भवन के। नहीं नहीं, तो हैं कितने बच्चे? बच्चे 5, 5 एक खत्म हो गया, 4। 4 लड़के हैं? हाँ। तो कहाँ हैं लड़के? अपने अपने खार कबार है। तो यहाँ आपके पास कोई नहीं रहता है और आपको कोई रखता भी नहीं साथ? हाँ, कहाँ उपाय। क्या फायदा ऐसे 4 बच्चे होने का कि जब इनको अकेले रहना पड़ जाए यहाँ पे? हम बच्चों को पैदा ही क्यों करते हैं जिंदगी में?
कि हमारी बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, और बुढ़ापे में सहारे की जगह छोड़ो वो सहारा भी छीन लेते हैं जो कि एकमात्र हमारे पास बचता है। बेटी क्या बस की बात है, भवन के बेटा बन गए, कोई कोई पानी भी ना पियावे। वैसे पोतन की भी शादी होगी, पोतन के बच्चे भी हैं, पोता पोती भी हो गए आपको? हाँ, बच्चे तो पोता पोती भी नहीं पूछते? पूछ ना पूछे, वो खेलने में लग रहे हैं। सुंदरपाल, सुंदरपाल क्या उम्र है आपकी? मैं 87 में पहुंच गया। 87 साल, 25 साल, 7 साल। और आप भी दिए बनाते हैं? मिट्टी का सामान आप भी बनाते हैं? नहीं। तो आप क्या बनाते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं बनाते? कुछ दिखे नहीं, ना कुछ दिखे, ना थोड़ा चले, ना भैया चला। आप नहीं इनके हाथ देख सकते हैं, हाथ देखिए जरा, ऐसे कैसे चलेगा? हाथ दिखाइए दादा, जरा हाथ ऐसे दिखाओ। ये देखिए, उम्र में आप कैसे हथौड़ा चलाएंगे? जिंदगी भर तो हथौड़ा चलाया है। चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, सांस ना आता है, सांस फूल जाता है। तो अभी कैसे खर्चा पानी कैसे चल रहा है? मांग कर मांग मांग कर खा लिया। देख सकते हैं कितने मजबूरी के दिन आ गए हैं। कौन से शहर से हैं आप? हम हाँ, महाराणा प्रताप की कुली के यहाँ चितौड़ से। हाँ, तो यहाँ पे कैसे आए? यहाँ कैसे आए? रात निकले को 8-6 साल हो गए। 8-6 साल हो गए, तो कोई लेके आया था आपको साथ में? जिन तो कोई, हमारी उम्र भी यहाँ ही हुई है, हमारे बाप की भी यहाँ ही हुई, ऐसे ही घूमने में रहे। किसी ने सब कौम बस गई, हमें कुछ नहीं मिला। हम मोर्चे ही तड़फाते रहे, आंधी तूफान में ऐसे ही भीजते रहे, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। कोई बात नहीं, आप लोग सुनेंगे, आप परेशान नहीं होइए। कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों तक आपकी तकलीफ को पहुंचा सकते हैं या आपकी परेशानियों को दिख जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो वृद्धाश्रम। तो नहीं, वृद्धाश्रम जाना चाहेंगे आप? वृद्धाश्रम जाना चाहेंगे जहाँ आपको खाना पीना दवाई सब कुछ दिया जाएगा? डॉक्टर से जाता हूँ, सब कुछ दिया जाएगा, डॉक्टर वॉक्टर सब मिलेगा वहाँ। अब तो मुझे बेटी बहुत मने सुई लगवा ले, कुछ आराम नहीं पाया। अच्छा, क्या तकलीफ क्या है आपको? बेटा गुजरने से सांस फूलन लगा। अच्छा, बेटा गुजर गया, धक्का लग गया, सांस फूले, चला नहीं जाता। तो मेरे पापा डॉक्टर है, मैं एक बार अपने पापा को लेकर के आऊँगी, एक बार आपको दिखवाती हूँ कि क्या दिक्कत है। सांस की बीमारी, सांस की बीमारी। 70 साल की उम्र में भी दादी लगी हुई हैं अपनी मेहनत से, लगन से। ना लगूंगी तो खाऊंगी कहाँ से, पेट में तो जरूरी खाना चाहिए बेटा, जितने मेरी जिंदगी है इतने तो लगता भी चाहिए, हरी बीमारी को पैसे भी चाहिए, मेरी मदद करो। हो सकेगा दादी, जितनी ज़्यादा हो सकेगा उतनी ज़्यादा मदद करेंगे हम। दादी की मदद की गुहार सुन करके प्लीज़ इनकी हेल्प करने आइए। आप इनसे सामान खरीदिए, लोहे का सामान भी है और मिट्टी का सामान भी है, और जैसे दिवाली पास में है तो दिए तो हर किसी के घर में जल रहे हैं, तो चाइनीज़ लाइट्स खरीदने की जगह अपने देश का सामान खरीदिए, अपने देश का सामान बनाया हुआ मिट्टी का सामान खरीदिए, ना तो ये एटमॉस्फेयर को हार्म पहुँचाएगा ना ही आपको हार्म पहुँचाएगा। तो प्लीज़ आइए, इनसे सामान खरीदिए, इनकी मदद करिए और इनकी तकलीफ़ दूर करिए। इस उम्र में, ये उम्र नहीं है उनकी, जो उस उम्र में वो काम कर रही हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आइए और यहाँ पे सामान खरीदिए। अपनी अपने साथ साथ इनकी दिवाली भी शुभ मनाइए, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। दिवाली हम सबका त्यौहार है, दिवाली में सबको खुश होने का हक है, तो इनको क्यों नहीं? तो जितना ज़्यादा लोग यहाँ आ सकते हैं आइए। आप अगर दिवाली में इनसे दिए लेंगे तो आप अपने घर के साथ साथ इनके घर को रोशन भी करेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से दिए लीजिए। क्या है, देश से हम हैं, हमसे देश है, तो अपने देश का सामान खरीदते हैं, इनकी दिवाली शुभ मनाते हैं। जितनी ज़्यादा देश को बढ़ाने की कोशिश करिए, अगर ऐसे बुज़ुर्ग बढ़ेंगे तो हम जैसे जवान अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर कौन आएगा? आगे आइए, आगे से आकर के मदद करिए इनकी, और अगर जो इनकी मदद कर सकता है, जिस तरीके की मदद कर सकता है, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करिए। बहुत परेशानी, टूटी पड़ी है दादी। रोइए मत, परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना, सब लोग मदद करेंगे आपकी, सबने प्यार दिखाया है सबको, आपको भी प्यार दिखाएंगे। लड़का नहीं है, आदमी नहीं है, मैं जगह है, एड्रेस बताना
यो भंगेल बियासी भंगेल बियासी लेट कर दो। देख सकते हैं ये है लोकेशन है, ये भंगेल बियासी में है, ये भंगेल चौराहे के तिराहे के पास बस देख लीजिए, यहाँ भंगेल तिराहे के पास यहाँ से आप आएंगे, बिल्कुल पास में ही है ये शॉप्स, लाइन से हैं। बट ये दादा और दादी ने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया क्योंकि इनकी उम्र देखते हुए, इनका काम देखते हुए, लोहे का काम बहुत मजबूती चाहिए, बहुत ताकत चाहिए शरीर में, पर ये इस उम्र में भी कर रहे हैं। पीछे कितने मजबूर हैं ये लोग, कितने प्रॉब्लम में है, उसके बाद भी अभी तक डटे हुए हैं, 70 साल की उम्र कम नहीं होती है, उसके बाद भी ये लोग मेहनत से लगे हुए हैं। तो थोड़े से मेहनत हम लोग भी करते हैं यहाँ आने की, इनसे सामान लेने की, इतनी मेहनत तो हम लोग कर ही सकते हैं। इतनी दिवाली का त्यौहार हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे, और उनके अयोध्या वापस आने में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दियों से जगमग कर दिया था। क्या वो त्यौहार अभी भी है? क्या हम लोग दिए ले रहे हैं? चाइनीज लाइट लेके घर सजाते हैं, टाइम कम करते हैं, इनकी मेहनत बेकार जाती है, हर साल ये इतनी मेहनत से लगे रहते हैं, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं। तो थोड़ी मेहनत करिए, घर से निकलिए, इनसे सामान लीजिए, अपना घर सजाइए, बस इतनी ही तो मेहनत है, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं। थैंक यू। सो गाइज, आपने देखा ये 70 वर्षीय दादी और 80 वर्षीय दादा, दोनों की कहानी हमने आपको पूरी बता दी है, पूरी दिखा दी। तो यार ये वो दिए बनाते हैं जिस दिए से हम अपना घर रोशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये दिए इनका घर रोशन कर रहे हैं? नहीं। तो हमें घर से निकलना पड़ेगा इनके घर को रोशन करने के लिए। दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, तो सबके घर में खुशियाँ होनी चाहिए, सिर्फ हमारे घर में नहीं। थे बट जब से कोरोना आया है गाइस, मार्केट खाली है, दुकानें खाली हैं, रोड खाली है, पैसा घर नहीं आ रहा है, लोगों की जॉब्स चली गई हैं। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली, और इनकी दिवाली भी हैप्पी बनाना है हम सबको मिल करके। तो हम सब इनसे दिए खरीदेंगे, इनसे सामान खरीदेंगे, और जितना हो सकेगा थोड़ा राशन भी इनको डोनेट करेंगे। धन्यवाद।